Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love, and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this. तो दोस्तों आप सबका स्वागत है ऑल आरएक्स गेमिंग में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे डेगुना से वन टैप हेड मार सकते हो। मैं इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करोगे तो आप भी ना रैंक में ना आराम से डेगुना से ना वन टैप हेड मार सकते हो। मैं अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में ना एयरड्रॉप ओपन करने वाला हूँ। मैं वीडियो के आखिर में ना उसके अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में ना एयरड्रॉप ओपन करके दूंगा। और मेरा अगले वीडियो में ना मेंबरशिप का गिवअवे है। आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर कर लेना। मैं देखूंगा कि जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसके अकाउंट में मेंबरशिप ना बाय करके दे दूंगा। आप कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर दे देना। चलो मिलते हैं छोटे इंट्रो के बाद। पहले आपको ना अपना फ्री फायर के सेटिंग में आ जाना है और ना आप देख लो मेरा सेंसिटिविटी कितना है। रेड 100, 2x100, 4x100, AWM का भी 100 है और सेंसिटिविटी भी 100 है। अगर आपका मोबाइल ना ज़्यादा ना महंगा हुआ तो ना अपना अपने हिसाब से सेंसिटिविटी रख लेना। और मेरा तो मोबाइल ना थोड़ा सा सस्ता है इसके लिए मैं 100 रखा है। आपका मोबाइल ना ज़्यादा वीवो का या ओप्पो का हुआ तो आपका सेंसिटिविटी ना अपने हिसाब से रख लेना। देखो मैं भी अपना वन टैप कैसे मारता हूँ ड्रैगुना से। देखो 301 का हेड पड़ा है, आप भी ऐसे वन टैप अपना आराम से मार सकते हो मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स देख के। पहला ट्रिप है कि आपको ना ड्रैग कैसे करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ड्रैग कैसे करना है। आपको ड्रैग को एनिमी के ऊपर रेड डॉट हो वो सही ना, आपको ना फायर बटन को ना थोड़ा सा ना ड्रैग कर देना है। आप ज़्यादा जोर का ड्रैग करोगे ना तो आपका एम ना आकाश में चला जाएगा। आपको सिर्फ ना हल्के से ड्रैग करना है। अगर पास में मारो तब ज़्यादा जोर का ड्रैग करोगे तो हेड लग सकता है। अगर दूर हुआ तो आपको सिर्फ हल्के से ड्रैग करना है। आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे ड्रैग करना है। वीडियो क्लिप में देख लो कि मैंने कैसे ना डेगुना से ओपी हेडशॉट मारता हूँ। आप देखो कि मेरा एम ना अभी वाइट है, देखो अपना रेड होगा तो ही मैं फायर बटन को ऊपर किया हूँ। और आप देख लो कि मैं फायर बटन को कितना ऊपर किया हूँ। आपको ज़्यादा फायर बटन को ऊपर नहीं करना है, आपको सिर्फ हल्के से ना प्रेस करना है जिससे आपका ना डेगुना से ना आराम से एकदम ओपी ना हेड लग जाएगा। आप भी ना ऐसा प्रैक्टिस जरूर कर लेना ट्रेडिंग मोड में तो अपने रैंक में भी आराम से ओपी से ना हेड मार सकते हो डेगुना से। सेकेंड हमारा ट्रिप्स है कि एनिमल स्टेबल। आपको ना देखना है कि एनिमल ना स्टेबल है कि नहीं। देखो यहाँ पर एनिमल स्टेबल था तो ही मैं उसको ना डेगुना से हेडशॉट मार चुका हूँ। आपको ना स्टेबल होना नहीं है, आपको अपना रेड मारोगे तभी ना आपको ना एनिमी को देखना है कि वो स्टेबल है कि नहीं, तभी अपना ओपी हेड मार सकते हो। आपको ना एनिमी ना देखना है कि रेप साइड भागता हो तो आपको फायर बटन ना रेप साइड लेकर जाना है। अगर राइट साइड भाग रहा हो तो राइट साइड ना ड्रैग करना है। अगर सीट में खड़ा हो तो सीट में आप ड्रैग करना है। देखो यहाँ पर एनिमी ना सीट में तो सीट में मैं ड्रैग कर लिया हूँ, इससे ना आपका मैं आराम से ना हेड लग जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो ना अभी तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स ना कोई भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। आप जब अपने एनिमी को ना मार रहे होगा ना तो आपको भी स्टेबल होना पड़ता है। आप मेरे भी ना वीडियो क्लिप में देख लो कि मैंने जितने भी हेडशॉट मारे ना तो मैं स्टेबल पहले होके ही मारता हूँ। आपको भी स्टेबल होके मारना है, पर आपको ना ज़्यादा तक स्टेबल नहीं रहना है। आप ज़्यादा तक स्टेबल हो गए तो आपको ना एनिमी भी ना हेडशॉट मार सकता है। आप मेरे वीडियो क्लिप में देख लो कि मैं कितना ना स्टेबल होता हूँ, कितने देर तक स्टेबल होता हूँ। आप ज़्यादा तक स्टेबल मत होना नहीं आपको एनिमी ना मार सकता है। अब हमारा थर्ड ट्रिप है कि ना आपको ना गन स्विच करना है। आप जैसे ही ड्रैगुना से मारो उसे गन को स्विच करके ना आप कवर में चले जाना, नहीं कि आपको ना दूसरा सामने वाला का स्कोर होगा तो आपको स्कोर ना मार देगी वन टैप हेड। आपको कैसे ही ना ड्रैगुना से वन टैप मारो उसे ना गन को ना स्विच करके आराम से ना कवर में भाग जाना, यानी आपने स्विच करोगे तो इससे भी ना आपको ना वन टैप हेड ना परफेक्ट ना लगने लगेगा। और आपको मैं बता दूँ कि हम ना अगले वीडियो में ना मेंबरशिप का गिवअवे करने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे वीडियो को ना लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम लोग जाते हैं अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में उसका एयरड्रॉप ओपन करने। अब हम लोग आ चुके हैं अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में। इसने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया था। इसने हमको कमेंट में बोला था कि भाई हमको ना 29 का एयरड्रॉप आया है, हमारा ओपन कर लो। तो हम लोगों ने इसे कॉन्टैक्ट किया और ना इससे ना उसका अकाउंट ले लिया है। अब इसका देखो 29 रुपये का 300 डायमंड आया है। बोर्ड फायर स्कैनर एयरड्रॉप ये सब इसको मिल रहा है। आपको भी मैं ना ऐसा ना आपके भी अकाउंट में करूँ तो आपको भी ना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है कमेंट बॉक्स में और ना कमेंट कर देना है तो मैं भी ना आपका ना कॉन्टैक्ट करके आपका भी एयरड्रॉप ओपन कर दूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो इसका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, अब इसको ना एयरड्रॉप मिल चुका है, 300 डायमंड भी मिल गया है।
हम लोग अगले वीडियो में मेंबरशिप का गिव अवे करने वाले हैं। आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ना हम लोग आपके भी अकाउंट में मेंबरशिप का गिव अवे जरूर कर लेंगे। सर अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में ना इसका ना एड्रॉप ओपन करते हैं। देखो अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में इसका एड्रॉप ओपन हो चुका है। अब इसको ना 300 डायमंड मिल गया है। इसके बाद 3 डायमंड पहले था तो इसके पास ना 303 डायमंड हो चुका है। आपको ना हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।